Hi friends, and welcome back to my channel. आज हम देखेंगे कि हम एक rose plant जो हमने nursery से खरीदे हैं उसे कैसे हम repot कर सकते हैं। बहुत लोगों की ये problem होती है कि जब वो कहते हैं कि वो जब plants लाते हैं तो वो जब उसे repot करते हैं तो plants मर जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम उसे successfully repot कैसे कर सकते हैं। So guys, today we'll see how to repot a plant in a pot which we got recently from a nursery store. So for that, all we need is a pot, एक छोटा साइज का गमला हमें चाहिए ताकि जब उसकी रूट फॉर्मेशन हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो, एक प्लांट और सॉइल मिक्सचर। मैं बताती हूँ, ये है मेरा मिनीचर रोज़ का प्लांट जिसे मैंने लाया था। मुझे टाइम नहीं मिल रही थी तो मैंने इसे चेंज नहीं किया, तो इसकी ऐसी हालत हो गई है। आज हम इसे चेंज करेंगे। तो हमें चाहिए सॉइल, सॉइल मिक्सचर कैसी होनी चाहिए। ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल, दिस इज़ माई नॉर्मल गार्डन सॉइल। विल ऐड सम कॉम्पोस्ट। फ्रेंड्स, हम इसमें कॉम्पोस्ट डालेंगे और काउ मन्योर, गोबर खाद। मेरे इस कॉम्पोस्ट में सब मिक्स्ड है तो मैं इसे अलग से नहीं डालूंगी। बहुत ज़्यादा कॉम्पोस्ट इसमें डालना है और फिर इसे मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे मिक्स कर दिया। फ्रेंड्स, वी हैव टेकन इक्वल पार्ट्स ऑफ सॉइल एंड कॉम्पोस्ट मिक्सचर एंड काउ डंग मिक्सचर। वी कैन ऐड वन पार्ट ऑफ सैंड टू इट। माय सैंड इज वेट बिकॉज इट रेन्ड हियर, इट्स रेनिंग हियर इन कोलकाता। तो अब हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे इसमें सैंड डालकर ताकि इसका ड्रेनेज अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा रखा है। वी हैव केप्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ इनसाइड टू कवर द होल सो दैट द सॉइल डजंट ड्रेन आउट, ताकि ये सॉइल पानी के साथ नहीं निकल जाए, सॉइल इसमें रहे। अब हम इसे सॉइल डाल देते हैं। ठीक है, अंदर थोड़ा सॉइल डालेंगे। अब हमें इस प्लांट को इससे निकालना है विदाउट रूट डैमेज किए, तो हम इसे यहाँ से काट देंगे। वी गोइंग टू कट दिस फ्रॉम हियर सो दैट वी डोंट डैमेज द रूट बॉल। सो हियर इट इज, कट दिस प्लास्टिक बैग। आई विल टेक दिस आउट केयरफुली, जस्ट होल्ड ऑन। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस, आप देख सकते हैं हमने इसे निकाल दिया। तो इसे तोड़ना नहीं है, ये पॉट बड़ा है तो हम इसे डायरेक्टली अंदर डाल देंगे। और इसे सॉइल से कवर कर देनी है अब, और सॉइल डालकर। तो हमने इसे रिपॉट कर दिया है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, क्योंकि एप्सम सॉल्ट ट्रांसप्लांट करते वक्त ट्रांसप्लांट शॉक से इसे बचाता है, वो स्ट्रेस पीरियड जल्दी ठीक हो जाता है। मेरे पास अभी नहीं, इसलिए मैंने इसे अभी नहीं डाला है। सो गाइस, इफ़ यू हैव एप्सम सॉल्ट और मैग्नीशियम सल्फेट, यू कैन ऐड इन दिस, दैट हेल्प्स दिस प्लांट टू रिकवर स्ट्रेस पीरियड फास्ट विदाउट एनी डैमेज। सो दिस वॉज ऑल फॉर द रोज प्लांट। और एक बात, अब हम इसे शेड में रखेंगे 3-4 दिनों के लिए। इसे डायरेक्ट धूप में अभी नहीं रखना है ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। और इसमें अभी हम खूब सारा पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से इसमें
पानी डाल देंगे। ये अभी पानी इससे पास हो जाएगी, अच्छे से वेट करना है और इसे शेड में रख देंगे। नाउ विल कीप दिस प्लांट इन शेड फॉर फ्यू डेज, लाइक 3 to 4 डेज। आफ्टर दैट विल टेक दिस आउट इन डायरेक्ट सनलाइट। सो दिस इज हाउ वी ट्रांसप्लांट द न्यूली बॉट प्लांट इन अ पॉट। ये है मेरी हाइबिस्कस की प्लांट, हाइब्रिड है, ऑरेंज कलर। आप देख सकते हैं इसकी फ्लावर्स, दिस इज सो डैम प्रिटी गाइस, कैन यू सी दिस, सो मेनी। दिस इज जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड एंड कैन यू सी दीज फ्लावर्स, जस्ट अमेजिंग। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस दीज फ्लावर्स।